अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे एडमिशन्स के बारे में जो कि अनाउंस हुई हैं बीएस नर्सिंग के लिए, एलएचबी, डीपीटी, फॉर्म डी, मिडवाइफरी और डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज में, जिसमें मेल्स और फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से बताएंगे आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसका जो मुकम्मल प्रोसेस है वो आपसे शेयर करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके सामने नज़र आ रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो डायरेक्ट चलते हैं वेबसाइट पे और आपको बताते हैं इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन। आपने गूगल पे यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है जॉब बाजार, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपने गूगल पे सर्च करना है और 22 लिंक को जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जॉब्स, एडमिशन और स्कॉलरशिप अलर्ट्स मिलते रहते हैं। आपने इस ब्लू कलर के फॉलो बटन को प्रेस कर लेना है या फिर सेलेक्ट करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी न्यू अपडेट हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आपने अब आपने यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एडमिशन ओपन इन नर्सिंग, ये चेक कर लें, नहीं तो अगर यहाँ पे नजर ना आए तो एडमिशन पे क्लिक कर लें। यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडमिशन ओपन हो जाएंगे। तो ये सारे लेटेस्ट एडमिशन हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये न्यू एडमिशन अलर्ट्स, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये अदर कोर्सेज के लिए ओपन है। इसके अलावा ओल्डर पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो और भी एडमिशन आपके सामने आ जाएंगे। फ्री शॉर्ट कोर्सेज, ये सारे आप चेक, एलएचवी के लिए ये सारे आप चेक कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं जिस टॉपिक पे वीडियो है तो वहाँ पे चलते हैं। तो अब आपने यहाँ पे एडमिशन ओपन इन नर्सिंग एलएचबी डीपीटी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने इसमें काफ़ी सारे एड्स हैं, ये सारे एड्स आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो ऐड है ये आप देख सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट है कौन सा, ये इंस्टीट्यूट है प्रिंसिपल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ सॉरी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइंसेस इस्लामाबाद। यहाँ पे ये कोर्स ये इंस्टीट्यूट है, इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं, इसमें कोर्सेज हैं आप देख सकते हैं, एलएचबी का 2 साल प्रोग्राम है, नर्सिंग का 4 साल, नर्सिंग का मेल फीमेल दोनों, एमएफ का मतलब है मेल फीमेल दोनों 3 साल, मिडवाइफ का, लेबॉरेटरी मेडिकल टेक्नोलॉजी का, फार्मेसी का, एक्सरे का, ये डिफरेंट आप देख सकते हैं ये मेडिकल कोर्सेज हैं। और इसके अलावा 4 साल जो डिग्री कोर्सेज हैं वो भी इसमें हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, बीएस रेडियोग्राफी के लिए सारे ओपन हैं इसमें। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डिटेल आप यहां से रीड कर सकते हैं। 28 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद नेक्स्ट ऐड है शिफा यूनिवर्सिटी का, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है, इसमें एडमिशन ओपन है, ये आपने चेक करना है, ये फ्री भी हैं और सेल्फ फाइनेंस पे भी हैं। पहला जो कोर्स है ये है बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये 4 साल कोर्स है और इसमें एफएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स, और इसमें सेल्फ फाइनेंस पे है, इसकी आपको फीस देना पड़ेगी। इसके बाद बाकी जो है ये फ्री है, ये आप देख सकते हैं, और इसमें मंथली आपको 6,000 रुपये भी दिया जाएगा। एसोसिएट आप देख सकते हैं साइंस एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसमें ये आप देख सकते हैं ये कोर्सेज हैं, 2.5 साल प्रोग्राम है, 35 सीट हैं और 6,000 महाना आपको वजीफा दिया जाएगा। डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये भी ओपन है, इसमें 5,000 रुपये आपको महाना दिया जाएगा और ये सारा आप देख सकते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है, एफ एस सी फ्री मेडिकल में आपके 50% नंबर होने चाहिए, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है ये इंट्री टेस्ट इसके आप लास्ट डेट 28 अक्टूबर है और बाकी इसके इंटरव्यू और एंट्री टेस्ट की डेटें मेंशन है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जोरा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज रावलपिंडी, इसमें डीपीटी, एमएलटी और आरएनआईटी के लिए एडमिशन ओपन है, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसके इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये है इंडस यूनिवर्सिटी कराची में, इसमें आप देख सकते हैं डीपीटी के लिए एडमिशन्स ओपन है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये डीपीटी के लिए इसमें एडमिशन्स ओपन है और इसकी डिटेल आप यहाँ पर पूरे ऐड में आपके सामने मैंशन है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट है शिफा कॉलेज ऑफ फार्मेडिकल साइंसेज, ये भी शिफा तमीर मिलत यूनिवर्सिटी है, इसमें डीपीटी के लिए एडमिशन ओपन है, 5 साल प्रोग्राम है, सॉरी डी फार्मेसी के लिए एडमिशन ओपन है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म डी जिसे कहते हैं। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी डिटेल आपके सामने है, कंप्लीट एड आपके सामने, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया है लाहौर में, इसमें एडमिशन ओपन है, किसके लिए, इसमें डीपीटी के लिए, ये आप दे सकते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन के लिए भी है, न्यूट्रिशन साइंस में, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब है मुल्तान में, और इसमें आप देख सकते हैं ये फॉर्म डी के लिए एडमिशन ओपन है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 साल प्रोग्राम है, 7 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये है सुपीरियर कॉलेज, ये आप देख सकते हैं
इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, बीएस नर्सिंग का भी है यहाँ पे, और इसमें आप और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं नर्सिंग के लिए। इसकी लास्ट डेट 26 सितंबर है, ये आप दे सकते हैं और इसमें आप चेक भी कर सकते हैं। और इसमें फार्मेसी फॉर्म डी भी आपको है, ये आपको आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे ये भी इसमें ओपन है। नर्सिंग बीएस नर्सिंग भी का भी इसमें ओपन है, वो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो नर्सिंग बीएसएन पोस्ट आरएन ये सारा आप यहाँ पे इस साइड पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, ये आप दे सकते हैं यहाँ पे, और इसमें डीपीटी के लिए फिजियोथेरेपी के लिए ये इसमें एडमिशन ओपन है। 5 साल प्रोग्राम है, एफिलेटेड है इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ये एफिलेटेड है, और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये है मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए 2 साल प्रोग्राम है, मेट्रिक के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो ये आपके सामने है। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये इसके बाद ये देख सकते हैं इसमें पोस्ट आरएन है, इसमें ये आप देख सकते हैं आईसीयू इसका कोर्स डिप्लोमा है इसमें आईसीयू का। इसके अलावा सीएनए है, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट का भी इसमें डिप्लोमा है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये मुल्तान में है और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है ये आप देख सकते हैं 9 दिसंबर है इसकी, और इसकी 31 जनवरी है, और इसकी 25 अक्टूबर है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है इसरो यूनिवर्सिटी, इसके कैंपस है हैदराबाद, कराची और इस्लामाबाद में। इसमें ये आप देख सकते हैं डीपीटी के लिए भी एडमिशन ओपन है और बीएस नर्सिंग के लिए भी एडमिशन ओपन है, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है ये 29 अक्टूबर है। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं ये बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और इसमें डीपीटी के लिए, बीएस नर्सिंग के लिए, बीएस एमएलटी के लिए, एमएलएस के लिए, फॉर्म डी के लिए, इस सारे इसमें एडमिशन ओपन है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 22 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कराची में ये यूनिवर्सिटी है। इसके बाद ये है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, और इसमें ये ओपन है एडमिशन बीएस नर्सिंग के लिए, ये आप देख सकते हैं बीएसएन नर्सिंग 4 साल प्रोग्राम है, और पोस्ट आरएन के लिए भी एडमिशन इसमें ओपन है, और ये आप देख सकते हैं ये इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी है, इसकी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये एलएचबी का एडमिशन ओपन है, ये आप देख सकते हैं ये दाखिले जा रही हैं कहाँ पे, ये डेरा गाजी खान में, और इसमें आप देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट जो है ये 15 अक्टूबर है, तो इसकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं बहावलपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें एडमिशन ओपन है बीएस नर्सिंग के लिए, ये आप देख सकते हैं बीएस नर्सिंग है, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 1 साल प्रोग्राम है इसमें नर्सिंग का, सॉरी मिडवाइफरी का, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल इन एड्स में मैंशन है, और ये जो एड्स हैं ये डेली न्यूज़पेपर में भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।